प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर वाराणसी में ठेला पटरी व्यवसायियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 साल बेमिसाल स्वनिधि महोत्सव के कार्यक्रम स्वावलंबी बने रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया गया। स्वनिधि महोत्सव नामक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शिरकत किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्वनिधि योजना के लाभार्थी रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल और कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने वहां लगे विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया और एक मेडिकल कैंप पर जाकर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया तथा नगर निगम के अपर नगर आयुक्त दुष्यंत मौर्य ने आए हुए अतिथियों का बुके देकर एवं अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया तथा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में लोकगीत और नुक्कड़ नाटक को कलाकारों ने प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे स्वनिधि योजना से एक आदमी अपने जीवन में तरक्की के आयाम को पा रहा है। नगर निगम एवं नगरीय अभिकरण वाराणसी डूडा स्वनिधि महोत्सव में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि वेंडरों के उत्थान के लिए केंद्र व प्रदेश की सरकार सदैव तत्पर रहती है। उनके जीविकोपार्जन के लिए उनको आर्थिक मदद रोजगार मुहैया करा रही है ताकि वह अपने और अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के द्वारा जो वेंडरों के उत्थान के लिए योजनाएं लाई गई है, उस योजना के तहत लोगों को जगह मिल रहा है, लोगों को फंड मिल रहा है और उनका आय का साधन बढ़ गया। सभी स्टार में जो काम या कर रहे लोग, किसी का इनकम पर डे का 1000 रुपये है, किसी का 1500 रुपया है, सरकार उनको जगह भी दे रही है और आर्थिक सहायता कर रही है ताकि वो रोजगार कर सकें। ये बहुत शानदार प्रयास है। इनके लाभ से बनारस के अंदर कई 1000 परिवार का चल रहा है जीविकोपार्जन। इस मौके पर मुख्य रूप से विद्यासागर राय, महानगर अध्यक्ष बीजेपी पूनम मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष अपर नगर आयुक्त दुष्यंत मौर्य, स्वास्थ्य नगर अधिकारी एनपी सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में ठेला पटरी और रेहड़ी व्यवसायी मौजूद थे।